सेवकाय में, शादी व कौटुंबिक कामों में अगुवाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगा। इसीलिए हेलो हाय सुसाई तोरे मन के स्वागत है फिर से मोर नया ब्लॉग में। तो आज हमें लोआरम चर्च के उद्घाटन में आए जाही और फिलहाल हमें पहुंच जाही बाइक स्टैंड में ही और बहुत भीड़ है जिसन की तोहरे देखे पारत रहबा। तो एखन हम फिलहाल पहुँच जाए हमें तीन जना ही मोए बिरसांत अजय और हिने और एक हमारे भाई है सामुएल नी मनु कुते ए सुगंधि दी दी जा तो हमें फिलहाल पहुँच जाइए और एखन प्रोसेसन स्टार्ट हो वाला है जौन कि तोहरे पीछे देखे पारत रह बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। हेलो हेलो कौन है तो तोरे देखे भारत रहा पूरा मस्त यहाँ सपराल जाए बहुत बड़ भी सपराल जाए और कुछ प्रोग्राम सब भी बटे हो वाला है ऐसा कुछ हरी समय में निर्मित गिरजाघर जो पुनः ये तीसरा बार हम लोग बनाए हैं और उसका स्मरण के लिए जो पत्थर हम लोग रखे हैं ये हमारे मिल का स्टोन चाहे पत्थर समझा जाएगा जो 1903 से लेकर के अब तक परमेश्वर हम सब को यहाँ तक रक्षा रखले किया हमारे पूर्वजों को अगुवाई किया और हम तक सुसमाचार को पहुँचाया है। इसलिए जितना भी इतिहास की बात है हमारे दया बयां जो देख रहे हैं जुबली का इतिहास है और आज संस्कार का समय है उस समय के लिए हम स्मरण करेंगे। ये पत्थर आने वाला पीढ़ी को अगुवाई करेगा। इसलिए मैं कली से का बुलाया और ठहराया हुआ सेवक त्रिक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अनावरण करता हूँ।
तृतीय नव निर्माण की जगह का संस्कार समारोह जीएल चचरवार मंडली का वचन है, जो आज का वचन है। पहला राजा 9:8 में है, परमेश्वर हमारे साथ है और ऐसा बड़ा गिरजाघर बनाया ताकि उसकी महिमा जय जयकार करते हुए हम उसका धन्यवाद करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको लोअरम मंडली में लोअरम पस्टर्ड के अंतर्गत कारीमाटी पेरिस के अधीन में होकर के और साउथ ईस्ट डायसिस के लोग हम यहाँ उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, इस समय तक तू हम सबको संभाला है, अगर आशीष प्रदान किया ताकि इस बड़े काम को करने के लिए जिम्मेवारी दिया और समय पर पूरा करने में तू सहायता प्रदान किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये स्मरण पत्थर जो आज हम लोग अनावरण किया, ये मिल का स्टोन बन सके ताकि आज से आने वाला पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में हो सके। तेरी महिमा स्तुति करने के लिए हम हमेशा अपने को, पूरे परिवार को, मंडली को, पास्टर को और पेरिस को और संपूर्ण गोष्ठी कलीसिया को अगुवाई दे सके। धन्यवाद प्रार्थना ऐसे सुनो से ग्रहण कर। आमीन। और भी लोग बाहर में हैं, भीतर आ जाएंगे, जगह खाली होगी और कुछ लोग पीछे चले जाएंगे ताकि सबको जगह मिले और भी आगे आ जाएंगे ताकि जो रोड में हैं वो रोड से भीतर चले जाएंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ जैसा रहेगा सनातन से सनातन आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यह समय तो हमें दिया है कि जीएल चर्च लोअरम मंडली को इस सुंदर भवन तेरे पवित्र महिमा के लिए आराधना के लिए तू स्थापित किया, लोगों को चयन किया, नियुक्त किया और समय पर पूरा करने में हम सक्षम है। आज तेरे हाथ में संपन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये कार्यक्रम में तू अगुर आशीष प्रदान कर। इस समय अपना वचन का आशीष हमको दिया कर ताकि इस वचन के द्वारा हम अगुवाई पा सके और दूसरों को भी तैयारी ताकि तेरी महिमा प्रकट सके। धन्यवाद प्रार्थना दया से सुन और स्वयं ग्रहण कर। आमीन। इस समय जैसा हम लोग वचन चयन किया है पहला राजा से 9 अध्याय उसका पद 8 पहला राजा के सेवकाई में और सक्रामेंटो की सेवकाई में शादी व कौटुंबिक कामों में अगुवाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगा। इसीलिए हम लोग इस भवन को तैयार किया। राजा उसका 9 अध्याय उसका 8 पद में, यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएंगे और पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। आमीन। इसी वचन के साथ मैं कलीसिया का बुलाए उठा हुआ सेवक त्रिक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसका उद्घाटन करता हूँ और फीता काट करके द्वार खोलता हूँ। आमीन। आगे जाएंगे। Thank you.
देखे पारत रह पूरा चर्च पूरा गजब हुई है ऐसा के देखत रह डेकोरेशन भी ठीक है बहुत अच्छा गज हुई है देखत रह बहुत जबर भी है आइए हम लोग सब कोई अपना अपना स्थान ग्रहण करें गिरजाघर संस्कार में आज वचन और सैक्रमेंट का अनुष्ठान किया जाएगा तो फिलहाल एखन चीफ गेस्ट आवे वाला है तो यहाँ डहर में सो गई रही चेयरमैन करीमट्टी मंडली के मंडली चेयरमैन अब है प्रचारक कोमल तपनो सरुबहार पटोक के प्रचारक हैं अब है प्रचारक सुल्तान भरो टोंडिया डोंगापंडी के चेयरमैन हैं अब है श्री वृद्ध विकास लकड़ा पार्षद मेंबर लोरम पार्षद अब है बहुत दूर से आए हैं सैमुएल डांग के रूप में हम लोग जानते हैं के रूप में भी और समय भी मांगे हैं तो हो सके तो हम लोग बाद में समय देंगे अब है पत्री बी लकड़ा करीमट्टी पेरिस काउंसिल चेयरमैन अब है प्रचारक सलीम कंडुंडा
ब्राह्मण सुधराई गलक और अखन हमें घर जाए वाला ही बहुत राष्ट्रीय हो जाए।